Hey guys, welcome to my stream channel. तो guys, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है क्या अंकल हाउडी अटैक कर सकते हैं रैंडी ऑर्टन पे और क्या गाइस हमारे एज स्टाइल हो सकते हैं रिटायर एंड हमारे टामा टोंगा ने बहुत ही अजीब सी हरकत की जब वो अपनी मतलब एंट्रेंस ले रहे थे एंड गाइस जे उसे जिमी उसे से बहुत बड़ा फैक्ट सामने आया और क्या रूमर स्पॉटेड हुए हैं क्राउन जूल में। तो गाइस सभी अपडेट कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको मेरे चैनल पे। तो फर्स्ट अपडेट रूमर रेंज होगा, एक फोटो सर्कुलेट हो रही है इंस्टाग्राम पे एंड सोशल मीडिया पे जिसमें दिखाया जाए कि रूमर रेंज स्पॉटेड हुए हैं एट क्राउन जूल। तो गाइस बता दें ये फोटो पुरानी है, पुरानी पिक है जिसे बार बार सर्कुलेट किया जा रहा है कि हाँ रूमर रेंज हो चुके हैं मतलब स्पॉटेड। तो गाइस रूमर रेंज की मूवी का प्रोडक्शन हाउस खत्म हो गया, लेकिन गाइस एट द एंड रूमर रेंज अभी भी कहा जा रहा है कि समर स्लैम से पहले नहीं आएंगे, आएंगे तो समर स्लैम से पहले आएंगे क्योंकि मेजर पेपर व्यू समर स्लैम है, क्राउन जूल में जो होने वाली चीज़ें वो अलग। बाय द वे रूमर रेंज तो नहीं आएंगे, लग रहा है आ भी सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं क्राउन जूल में, क्राउन जूल बहुत बड़ा इवेंट है तो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो सकती हैं। अंकल हाउडी का तो रिटर्न कन्फर्म मानो डेब्यू होगा ही होगा बिकॉज ऑफ रीज़न, आज रैंडी ऑर्टन के साथ उनकी स्टोरी लाइन भी चल रही थी, आपको पता होगा कि रैंडी ऑर्टन ने ब्रे वायट को फिनिश नहीं किया था, बर्न किया था, लेकिन वो स्टोरी फिनिश नहीं हुई थी जिसके कारण अभी भी माना जा रहा है कि वो स्टोरी लाइन चल सकती है। रैंडी ऑर्टन पे ब्लड लाइन या फिर हमारे अंकल हाउडी की फैक्शन अटैक कर सकती है जब मैच स्टार्ट हो रहा हो गुंथर से, एंड गुंथर के साथ मैच आपको पता होगा कि गुंथर ने एक वीडियो जारी की अभी अभी सोशल मीडिया पर जिसमें गुंथर कह रहे हैं कि बी लेजेंड बीट लेजेंड, तो मैं लेजेंड को हरा के लेजेंड बनने वाला हूँ और मैं उसे हराऊंगा। एंड गुंथर को हराने के लिए ही रैंडी ऑर्टन है या रैंडी ऑर्टन गुंथर को हराएंगे या गुंथर रैंडी ऑर्टन को हराएंगे, अब दोनों जो भी जीता उसे टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एंड गाइस नया जैक्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर वो लायरा वेलकैरी को हरा देती हैं, मुझे लग रहा है लायरा वेलकैरी को हरा देंगी बिकॉज ऑफ रीजन नया जैक्स ने बैक स्टेज बैकी लेज एंड हमारी बेली दोनों से ही मतलब इंटरेक्शन किया था, एंड बेली से वो कर सकती हैं फेस ऑफ समर स्लैम में, उनकी फाइट हो सकती है, फ्यूड बन सकती है। तो गाइज यहाँ से ये मानो कि लायरा वेलकैरी हार सकती है, अगर जीती है तो वो बैकी को चैलेंज करेंगी, अगर हारती हैं तो नया जैक्स बेली को चैलेंज करेंगी। एंड गाइज ये सबसे बड़ी स्पेकुलेशन है कि हाँ ब्लड लाइन ने जिस हिसाब से आज चीज़ दिखाई ना कि ब्लड लाइन जिस लेवल पर जाने वाली है, एंड क्या पता ब्लड लाइन केविन ओवंस एंड रैंडी ऑर्टन पर अटैक कर दे फिर से, क्योंकि टामा टोंगा जिस हिसाब से उन्हें एंट्रेंस ली ना भाई, जैसे वो नहीं लेते थे बुगी मैन वैसी एंट्रेंस ली, एंड टामा टोंगा को ऐसे हाइना बूचर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो गाइज आज तो बेस्ट चीज़ हुई है, एंड ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आज से बिकॉज ऑफ रीज़न ब्लड लाइन मेकिंग नेक्स्ट चैप्टर मोर देन ट्विस्ट, मेकिंग मोर सस्पेंसिंग स्टोरी, तो वो चीज़ करने वाली है WWE बहुत जल्दी, एंड वो चीज़ हो भी रही है, क्राउन जूल आज ही हो जाएगा, आपको पता है नाइट को होगा तो मैं कल उसका रिव्यू कर दूंगा। एंड गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है जे उसे से, आज से 14 साल आई थिंक 18 साल पहले जे उसो ने जिमी उसो ने डेब्यू किया था अपना मंडे नाइट रॉ पे, एंड गाइस ये डेब्यू हुआ था तो आज से 18 साल पहले उनका डेब्यू था, अब तक वो हैं एंड इस बिजनेस में वो बेस्ट हैं, तो ये फैक्ट था। एंड अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है हमारे एज स्टाइल से, तो क्या एज स्टाइल्स गए रिटायर होने वाले बिकॉज जिस हिसाब से उनका मतलब दिखाया गया ना कि निक एल्डस के साथ इंटरेक्शन, तो निक एल्डस ने कहा तो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो उन्हें खो दी वो अपॉर्चुनिटी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गाइस इसी के अराउंड ये चीज़ हो रही है कि जो एज स्टाइल है वो रिटायर होने के लिए सिचुएशन बना रहे हैं, या तो ये स्टोरी लाइन का पार्ट है उसे बिल्ड किया जा रहा है, और एज स्टाइल का ऐसा हील टर्न करेक्टर दिखाया जा रहा है कि जो हताश है निराश है जैसे ड्रू मैकइंटायर थे, तो वही चीज़ सेम एज स्टाइल के साथ हो रही है, तो एज स्टाइल बेस्ट वे से करना चाहेंगे उसी चीज़ को स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस करने के लिए। तो मैं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है हमारे न्यू मैच से, तो गाइस वुमेन डिवीजन टैग टीम मैच कन्फर्म हो चुका है, बियंका प्लेयर जेड कार्गिल वर्सेज इंडेड हार्टवेल एंड हमारी जो उनकी पार्टनर है उनके साथ हो गया, और ये एंड मोमेंट पे कंफर्म किया WWE ने वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड होंगी क्राउन जूल में आज, एंड मौके पे ये कर दिया है। एंड गाइस एक वीडियो आई है जहाँ पर सभी सुपरस्टार अपने मतलब फोटोज़ पे ऑटोग्राफ दे रहे हैं, कोडी रोड से लोगन पॉल है, जेड कार्गिल है, सभी दे रहे हैं ऑटोग्राफ अपने पोस्टर्स पे जो क्राउन जूल में रखे हुए हैं। तो गाइस मैं नेक्स्ट प्लेट जुड़ी वो जुड़ी असल में 40 से, तो गाइस एक बोल्ड प्रेडिक्शन निकल के आई है जिसमें ये कहा जा रहा है ट्रिपल ए रूमर है नहीं चाहते थे कि असल में 40 में रॉक चैंपियनशिप जीते एंड रॉक चैंपियन बने, और ये एक मतलब र्यूमर आ रहा है कि ये चाहते थे रोमरे एंड मतलब ट्रिपल एच वो चाहते थे कि वो ना बने चैंपियन बिकॉज ऑफ रीज़न अगर रॉक चैंपियन बनते तो वो बैंकेट करके वापस हॉलीवुड में चले जाते, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये थी माजरा पीछे का।
क्योंकि रॉक नहीं चाहते थे, सॉरी ट्रिपल ए नहीं चाहते थे एंड रोमर ए नहीं चाहते थे कि ये चीज़ हो। तो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी साउथ अफ्रीकन रॉलिंस से। साउथ अफ्रीकन रॉलिंस का बोल्ड लुक सामने आया जिसमें वो बियर्ड में है एंड ये फोटो पीछे से क्लिक की गई है। तो गाइस माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीकन रॉलिंस रिकवर कर रहे हैं एंड बहुत जल्दी वो रिटर्न करेंगे अपना डब्ल्यूई में। मैं लास्ट अपडेट जुड़े वो जुड़े लोगन पॉल कोडी रोड से। तो गाइस क्या लोगन पॉल फेस टर्न होने वाले, क्योंकि जिस हिसाब से उनके नकल ब्रश दिखे थे और उन्होंने बाद में कहा ये तो मेरे जेब में आ गए मेरे ब्रदर के थे। तो गाइस उसके बाद कोडी रोड्स ने कहा तो मेरे जैसा कभी नहीं बन सकता, यू आर नॉट माई टाइप चैंपियन, आई एम द चैंपियन ऑफ पीपल एंड यू आर जस्ट अ यूट्यूबर रेसलर, आई थिंक यू आर अ रेसलर, यू आर अ सुपर स्टार ऑफ डब्ल्यू बट नॉट, यू आर नॉट। तो ये चीज़ कही उन्होंने कि तू नहीं है, मैं हूँ असली चैंपियन, दैट्स वाई आई डिजर्व बैटर, मुझे ये इसलिए प्यार करते हैं और तू सिर्फ नकल करता है। और लोगन पॉल का फेस देखने वाला था, क्या लोगन पॉल फेस बनने वाले हैं बहुत जल्दी। तो गाइज यहाँ से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। एंड गाइज हमारे एक सऊदी अरेबिया के जो पिछली बार भी आए थे वो भी आएंगे, जिन्होंने पिछली बार लोगन हमारे ग्रेसन वॉलर के साथ एक मूवमेंट दिया था, तो वो गेस्ट बन के आएंगे। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।